तो भाई लोग जा रहे हैं अपने मेन कंप्यूटर में ये 6600 XT को लगाने, क्योंकि लोगों के बड़े अतरंगी क्वेश्चन आ रहे थे जो कि जब तक आप यूज़ नहीं किए उसका जवाब नहीं दे सकते। लाइक आप आफ्टर इफेक्ट पे कैसा काम करेगा, लाइक प्रीमियम प्रो पे कैसा काम करेगा, ल्यूमिनस पे कैसा काम करेगा। तो अभी इसको हफ्ते भर कार्ड को अपने मेन पीसी में यूज़ करूँगा और फिर आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि ये कार्ड मतलब कितना अच्छा है आपके यूज़ के लिए। इसके पहले मैंने वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में बता रखा है, आई के बटन पे लगा दूंगा तो आप लोग देख लेना। तो इसको ओपन करते हैं, निकालते हैं इसका सब कुछ अस्तर पंजर और इसमें ये ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं जो लगा हुआ है उसको निकाल कर। कीबोर्ड वगैरह निकाल देंगे, सब कुछ वर्ड यूज़ करता हूँ मैं। ये है थर्मल टेक का कैबिनेट, फ्रंट में टेम्पर्ड लगा हुआ है इसके, सो डैट अंदर की RGB दिखे। तो अभी इसमें लॉजर दिखाए थे, अभी इसमें देखो आप लोग, ये लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड। इसको निकालेंगे और उस ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करेंगे 6600 XT और उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे एक हफ्ते तक, फिर बताएंगे आप लोग को कि कैसा रहा कार्ड वो। ठीक है, सिर्फ दो पेज पे टिका हुआ है तो दोनों पेज खोल लेते हैं फटाफट से हम लोग। 750 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सियर की। तो इसको ओपन कर लूँ। ऐसे ही ग्राफिक कार्ड अगर आप लोग को चेंज करना तो ये भी सीख सकते हो आप लोग, और बहुत इजी है ग्राफिक कार्ड चेंज करना। अगर इसके मदरबोर्ड पे कोई क्लिप लगी हो तो वो ज़रूर खोल लेना। फर्स्ट टाइम में जब मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था तो मैंने उखाड़ लिया था, निकाला था, तो ये क्लिप होती है जो ग्राफिक कार्ड, ये तो ये जरूर इसको देख लेना कि ये लॉक तो नहीं है। जब भी लॉक हो तो इसको खोल के ही निकालिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने निकाला था ग्राफिक कार्ड तो जोर लगा कि ये भी निकल आया था बाहर। अब निकालते हैं इसको XT को, XT को करेंगे इंस्टॉल। तो इसको एक हफ्ते तक चेक करेंगे तो कंप्लीट व्यू मिलेगा। इसके बारे में आपको जानना हो तो पहले ही बता दिया मैंने। दूसरी चीज़, कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी अगर आप लोग को चाहिए हो तो ज़रूर पूछिएगा, जवाब देंगे उसका। एक नया कार्ड आया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हूँ आज, गेस कर पाओ तो करो, सब लोग जाके देख लो। और इसको यूं करके जब बैठाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है, जो क्लिप होती है वो टप से बंद हो जाती है, जैसे रैम की होती है सेम वैसे। पावर सप्लाई के लिए लगाएंगे, 8 पावर कॉर्ड की ज़रूरत है इसमें। 8 पिन की पावर सप्लाई लगेगी इसमें, बहुत ही लो एनर्जी कंजम्पशन पे चलेगा, ऐसा AMD का दावा है। दोनों नट टाइट कर दें, रेड सेट हो गया काम इसका। ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये वाली, ये जो प्लेट है ये मेरे 2070 के साथ मिली थी, उसका वीडियो मेरा पहला वीडियो है वो, आप लोग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, 2070 सुपर ट्रायो। AMD का 3900X लगा है इसमें ये, और जो है मदरबोर्ड MSI की है, मदरबोर्ड ये है X570 थॉमहॉक वाईफाई एडिशन, और रैम 16 GB की लगी हुई है। तो इसको चेक करेंगे एक हफ्ते तक अपने प्राइमरी पीसी में, तभी सही लो पकड़ो जी, जब भी इसको प्राइमरी पीसी में लगाएंगे तभी आपको सही आइडिया लगता है, क्योंकि तब आप हर तरह से यूज़ करते हैं उसको और ज़्यादा टाइम आप देते हैं पीसी पे, क्यों तब आपको सही अंदाज़ा लगता है कि असल में ग्राफिक कार्ड कैसा है। हालांकि 6600 6000 एडिशन जो है वो AMD का नया है एकदम, तो हटो जरा। तो ये एकदम नया कार्ड है तो इसमें कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए एज सच, बट क्योंकि
3060 भी यूज़ किया हूँ, 3060 Ti भी यूज़ किया हूँ। तो जब आप लाइक जब भी आप कई कार चलाए होते हैं तब आपको पता चलता है कि उसकी पावर कैसी है, मतलब जो आपने नई कार खरीदी उसकी पावर कैसी है और पुरानी कार में क्या कमी थी। सेम वैसे ही जब आप पहले से कई कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैंने 3060 यूज़ किया है, 3060 Ti यूज़ किया है, तो इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी पावर कैसी है, ये कैसा चल रहा है, रे ट्रेसिंग वगैरह रेंडरिंग में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको फुल डिटेल में नेक्स्ट वीक तक वीडियो डालेंगे। और नए कार्ड की अनबॉक्सिंग जल्दी आ जाएगी, वो कार्ड आ गया है तो उसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को बहुत जल्द। इसका सारा पोर्ट लगाते हैं और आप लोग को ऑन करके दिखाते हैं। सब कुछ सेट कर दिया हूँ, अभी ऑन करते हैं इसको। लेट्स से एज आई ऑलरेडी टेल यू कि इसमें कोई RGB नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कोई RGB नहीं है। तो देखते हैं PC ऑन होता है। PC ऑन हो गया है, ड्राइवर वगैरह भी पड़ जाएगा अभी ऑटोमेटिक, और जो नहीं पड़ेगा उसको डाल देंगे। तो सी आ गया ये, अभी ग्राफिक्स थोड़े उड़े उड़े आ रहे हैं, देख लीजिए कितने बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है। तो अभी ड्राइवर वगैरह पड़ेगा तो सही आ जाएगा ये। तो अभी PC ऑन हो चुका है, ड्राइवर वगैरह ले रहा है वो। अब इसको चेक करते हैं फिर बताते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड तो पूछेगा, जवाब देने की कोशिश करेंगे। इवन कंप्यूटर से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, आपकी हेल्प हुई थोड़ी मेरी भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देख रहे टेक24, मैं मनोज सिंह, थैंक यू सो मच।